हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार को। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये काफ़ी कॉमनली आप लोगों से ये पूछा जाता है कि यू आर आस्किंग मेनी टाइम एंड मेनी क्वेश्चन कैन दैट सर शुड आई गो फॉर द एनी कोचिंग फॉर द ICAR-JRF और नॉट। तो जो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा ये मेरा पर्सनल है और जो मुझे लगता है वही मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वही चीज़ चाहते भी थे क्या मेरा पर्सनल व्यू है। तो दोस्तों, पर्सनल व्यू मेरा ये है कि ICAR-JRF के लिए अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ICAR-JRF में किसी कोचिंग की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही ब्रॉड कोई सब्जेक्ट सिलेबस को नहीं कवर करना होता, क्योंकि आप BSc एग्रीकल्चर के किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ते हो और फिर उसमें उसके लिए आप JRF प्रिपेयर करते हो। तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए आपको कोचिंग की हार्ड फास्ट रूल नहीं है, उसके लिए रिक्वायरमेंट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मेरी ये राय है कि जैसे आप JRF के लिए प्लान करते हो तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड एक तो मैंने कई बार बता भी चुका हूँ कि बहुत ही बेस्ट टाइम है। आप एक बार सिलेबस के थ्रू कौन जाओ कैसा है सिलेबस, आपका इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है। और रही बात सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि हमें पढ़ना क्या है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम वीडियो हर सब्जेक्ट के टॉपर का मैंने यहाँ पर वीडियो डाल दिया, इसीलिए क्योंकि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है लड़कों का कि उनको ये पता नहीं चल पाता कि उनको पढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो बुक लिस्ट रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर हर सब्जेक्ट लेवल में अवेलेबल है, आपको जिस सब्जेक्ट से भी तैयारी करनी है आप उस सब्जेक्ट का वीडियो उस टॉपर का जाके एक बार दो बार चार बार जितनी बार ना समझ में आए आप देखिए, और वो कौन सी बुक कैसे कह रहे हैं पढ़ने के लिए आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है, एज ए गाइडेंस पॉइंट ऑफ द व्यू। आपको क्या लगता है कि कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा चीज़ें हो जाएंगी कि जहाँ पर आपको रेडीमेड मगअप कराया जाएगा, तो ये आपका गलत है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एक रोल होता है कि वो आपको सेव करता है, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो, क्योंकि ICAR-JRF एक बहुत बड़ा बिग एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बिग सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप एक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से तैयारी करते हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, फिजिकल साइंस ग्रुप हो या सोशल साइंस ग्रुप हो, ठीक है, तो उसमें कुछ सिलेबस ही कवर जो उनके सिलेबस होते हैं उनको कवर करने होते हैं और जो उनमें बुक होती हैं उनको कवर अप करना होता है। तो साल भर का समय मोर देन सफिशियंट है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड जो मैंने बोला एक अच्छा टाइम है, तो उस टाइम पर आप अगर प्रिपेयर हो जाते हो तो दैट्स एकदम मोर देन सफिशियंट। और दूसरी बात यह है कि आपकी ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन तो ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे कि बहुत हाई फाई टाइप के क्वेश्चन, आपके सब क्वेश्चन जो रहेंगे वो बेसिक ही रहेंगे, ठीक है, जो BSc एग्रीकल्चर लेवल का होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन सोचते हैं कि मेरे टाइम में, मैं खुद में बता दूँ, मैं भी मुझे कोई गाइडेंस कोई खास नहीं था, मुझे ज़्यादा अवेयर नहीं था, तो मैं काफ़ी ब्लाइंड रीडिंग करता था। लेकिन मैं फ्रेंकली जो मैं बताना चाहूँगा कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है, और जो भी मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं उसमें जैसे उन लोग बता रहे हैं कौन सी यूनिट को कैसे कवर करना है, क्या करना है, उसको आप ध्यान से देखोगे और ध्यान से उनको फॉलो करोगे तो आई 100% आई कैन से दैट आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद सेल्फ स्टडी पर इंडिया के किसी भी कोने में बैठकर आप ICAR-JRF को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी सब मेरे जो व्यू है मैंने यहाँ पर दिया, और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको फॉलो करो और क्रैक करो, ऑल द बेस्ट। और अपने दोस्तों को भी बता दो कि ऐसी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है जो कि जिसका वो लोग फ़ायदा लें और उनका भी भला हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।